इसलिए ब्रह्म संहिता आप लोग मोबाइल से निकाल सकते हैं, श्री ब्रह्म संहिता। ठीक है, जिन लोग के पास किताब है किताब से पढ़िए, या तो फिर गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामी, लास्ट पे ये बोलना है जो श्लोक है। ठीक है, जय श्री ब्रह्म संहिता की जय, जय श्री प्रभुपाद की जय। ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम शास्त्रपत्र कमलम गोकुलख्यम महत्पदम तत्कर्णिकरम तद्धाम तद्दनंतम स संभावम। आप लोग मतलब एक श्लोक पढ़िए, साइड बाय साइड निकालते रहिए। कर्णिकरं महद्यंत्रं सत्कोन वज्रकिलाकं सदंग सत्पदिस्थानं प्रकृतिय पुरुषेण च प्रेमानंद महानंद रसेनी अवस्थितं हि यज्ज्योति रूपेण मौनोना कामभिजेन संगतं तत्किंजल्कं तदंसनं तत्पत्राणि श्रियमपि चतुराश्रम तत्परीता स्वेता दीपाख्यम अद्भुतं चतुराश्रम चतुर्मूर्तिश्चतुर्धाम चतुष्कृतं चतुर्विपुरुषार्थैश्च चतुर्भिर्हेतुभिर्वृत्तं सुलभिर्दशभिरानन्दम् ऊर्ध्वधो दिग्विदिक्ष्वापि अष्टाभिर्निधिभिर्जुस्तम् अस्ताभिर्षिद्धिभिस्तथा मानुरूपेश्च दशाभिर्दिक्पले परितोवृतं श्यामै गौरैश्च रक्तैश्च शुक्लैश्च पर्शदर्शभै शोभितं शक्तिभिस्ताभिरद्भुतभिः समान्तता। जिन लोग को नियत है पूरा ध्यान से पूर्वक सुनिए, ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण को स्तुति किया है। हम लोग अगर नहीं बोल पाते हैं ठीक है, पूरा ध्यान पूर्वक सुनिए। एवं ज्योतिर्मयो देव सद आनंद परात्परा आत्मा रमस्य तस्यस्ति प्रकृतिः न समागमा मायया रमानस्य न व्योगयस्तया साहा आत्मना रमये रेमे त्यक्त्वा कलम शिक्षाय नियता स रमा देवी तत्प्रिया तद्वसं तदा तद्लिंगं भगवान् शंभुम् ज्योतिरूपा सनातना या योनि सपराशक्ति कामो बीजं महद्धरे लिंग योनि आत्मिका जाता इमा महेश्वरी प्रजा शक्तिमान पुरुष स्वयं लिंग रूपी महेश्वरा तस्मिन् अविराव लिंगे महाविष्णुर जगतपति सहस्र शीर्ष पुरुष सहस्र रक्ष सहस्रपत सहस्र बहुर्विशात्मा सहस्र अंश सहस्रशु नारायणस भगवान अपस्तस्मात् सनातनत् अविरासित करणर्णो निधि शंकर शनत्मक योगा निद्रम गतस्तस्मिन् सहस्र अंश स्वयं महान तद्रोमबिलजलेषु बीजं शङ्कर्षणायश्च हैमानि अन्दजातानि महाभूतवृतानि तु प्रतिअण्डम् एव एकं षदेकं षद्विशति स्वयं सहस्रमूर्धविशात्मा महाविष्णुर्सनातना वमनगत असर्जत विष्णुं दक्षिणागत प्रजापतिं ज्योतिर्लिङ्गमयं शम्भुं कुर्चदेशत् अवसर्जत् अहङ्कारात्मकं विश्वं तस्मात् एतद्व्याजयाताम् अथ त्रिवीधिर्वेशे लीलाम् उद्वाहत किल योगा निद्रा भगवती तस्य श्रीव संगता शिक्षायां ततो नाभिस्तस्य पदं विनिर्ययो तन्नलं हेम नलिनं ब्रह्मलोक अद्भुतं तत्त्वानि पूर्वरूधानि करणानि परस्परं समवाय अप्रयोगच्च विविनानि पृथक् पृथक् चित्शक्त्या सजमानो वाथा भगवान् आदिपुरुष योजयान्मययादिवो योगा निद्रमकल्पयात् योजयित्वा तु तानि एव प्रविवेशेष स्वयं भूयं भूयं प्रविष्टे तस्मिंस्तु जीवात्मा प्रतिबुद्धयते स नित्यो नित्य सम्बन्ध प्रकृतिश्च प्रायव स एवं सर्वात्मसम्बन्धं नाभ्यं पदं हरेराभूत् तत्र ब्रह्म भवद्भूयश्चतुर्वेदे चतुर्मुखा सञ्जातु भगवच्छक्ताय तत्कालं किल चोदिता शिक्षायां मतिं चक्रे पूर्व संस्कार संस्कृता दादर्श केवलं द्वन्तं नान्यत् किम् अपि सर्वता उवाच पुरतिस्तस्मै तस्या दिव्य सरस्वती कामकृष्णाय गोविन्द हे गोपीजन इति अपि वल्लभ प्रियर्वहनेर मंत्रं ते दर्शति प्रियं तपस्त्वं ताप एतेन तव सिद्धिर्भविष्यति अथातिपि स सुचिरं प्रीणं गोविन्दमव्ययं श्वेतदीपपतिं कृष्णं गोलोकस्थं परात्परं प्रकृतिय गुणरूपिण्य रूपिण्यपरुपाशितं शास्त्रदल सम्पन्ने कोटिकिञ्जल्क भ्रमभ्रमिते भूमिश्चिन्तामणिस्तत्र कर्णिकरे महाशयने समाशीनं चिदानन्दं ज्योतिरूपं सनातनं शब्दब्रह्ममयया वेणुं वदयन्तं मुखाम्बुजे
विलासिनी गणवृत्तम स्वेर स्वेर अंशेर अभिस्तुतम। अतः वेणुनिनादस्य त्रयी मूर्तिमही गति स्फुरयन्ति प्रविवेशषु मुखब्जनी स्वयंभुवा। गायत्रीं गायतस्तस्मात् आदिगत्य सरोजजा संस्कृतेशादि गुणूना द्विजतम अगमात् तथा। त्रय प्रबुद्ध अथ विधि विष्णात तत्व सागरा तुस्ताव वेद सरीन स्तोत्र स्तोत्र ननीन केशवम। इस श्लोक से अभी आप लोग दोहराया गया कि गोविंद आदि पुरुषम तमाम भजा विलास में है। चिंता मणि प्रकार सदमशु कल्प वृक्ष लक्ष्म वितेषु सुरवै रवि पलयंतम लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रमा सेवयमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। वेणुन कवरंतम अरविंदम दलयतक्षम बरहवतम समसितम भूदसुंदरंगम कंदर्पकोटि कमनिया विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। आलोल चंद्रकाल सद्वनमरस्य वंशी रत्नान गदम प्रणय केलिकाल विलासम स्वयं त्रिभंग ललितम नियता प्रकाशम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। अंगानि यस्य सकलेन्द्र वित्तिमंति पश्यन्ति पंति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्जल विग्रहस्य गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। अद्वैतम अच्युतम अनादिमनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। पंतस्तु कोटि शत वत्सर संप्रगम्यो वयोरथोपि मनसि मुनि पुंगवानम सोऽपि अस्ति यत् प्रपद सिम्नि अविंचित्य तत्वे गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। एको अपि असो रचयितुं जगत अंध कोटिं यत् शक्तिरस्ति जगत अंध छाया या अंता अंधंतरस्थ परमानुचयंतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। यद् भाव भविता दियो मनुजस्तथैव संप्राप्य रूप महिमा सानायन भूषा शुक्तर्यम इव निगम प्रतीत सुवस्तुवंती गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। आनंद चिन्मय रस प्रतिभावित वेस्तवीर्य एव निज रूपतय कलावीर गोलोक एव निवसीति अखिलात्म भूतो गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। संता सदैव हृदयेषु विक्लोयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। रमादि मूर्तिषु कल नियमेरति स्थान ननावतारम अकरोत् भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् पराम पुमान्यो गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। यस्य प्रभ प्रभवतो जगतंड कोटि कोटिश वशिष वसुदादि विभूति भिन्नम तद् ब्रह्म निष्कलम अनंत अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। माया हि यस्य जगत् अंड सतानि सूते त्रैगुण्य तद् विषय वेदि वितयमाना सत्वलंबी पर सत्वं विशुद्ध सत्वं गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। आनंद चिन्मय रसस्मतया मनाशु लिया प्रणीनम प्रतिफलम स्मरंतमुपेत्य लीलायतेन भुवनानि जयति अजस्रम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। गोलोकनाम्नी निज धाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरि धामेषु तेषु तेषु ते प्रभव निचय विहितस्य येन गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति एक चैव यस्य भुवनानि विवर्ति विवर्ति दुर्गा इच्छा रूपम इति यस्य चेत गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष जोगत संजयते नाहि तथा पृथक अस्ति हेतु यः संभूतम अपि तथा समुपैति कर्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। दीपार्चित एव हि तसंतरम अभुपेत्य दीपयते विविक्त हेतु समान धर्मा यस्तद्रिक एव हि च विष्णुतया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। या कर्णर्नर्व जले भजति स्म योगा निद्रम अनंत जगत अंडस रोम कूपा आधार शक्ति अवलंब्य परास मूर्तिम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। यस्य कनिवसीति कीलम अथावलंब्य जीवंति लोम विराज जगत अंधनाथ विष्णुर्महंस इह यस्य कल विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। भस्म यथम सकलेषु निजेषु तेजा स्वीयं कियत् प्रकटयति अपि तद्वत् अत्र
जगत अंध विधान कर्ता गोविंदमादि पुरुषं तमां भजामि यत् पाद पल्लव योगं विनिधय कुम्भा त्वन्दि प्रणाम शमये सिगनाधिराज विघ्नान् विहन्तु मलम् अस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषं तमां भजामि अग्निर्महि गगनम् अम्बु मरुद्दिशश्च कालस्तथात्म मनसीति जगत्त्रयानि यस्मत् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यम च गोविन्दमादि पुरुषं तमां भजामि यच्चक्षुरेश सविता सकलं ग्रहाणं राजा समस्त सुरीर्मूर्तिरशीष तेज यस्य ज्ञाय भ्रमति संभ्रमत कालचक्रो गोविन्दमादि पुरुषं तमां भजामि धर्मो अथा पपा निचय श्रियतस्तपास्मि ब्रह्मादिकीट पतगवधयश्च जीवा यद्दत्ता मत्र विभव प्रकट प्रभाव गोविंदमादि पुरुषं तमां भजामि यस्त्वविन्द्रगोपमथ विन्द्रमहो सकर्मा बंधन रूप फलं भजनमतनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजं गोविंदमादि पुरुषं तमां भजामि यम क्रोध काम सहज प्रणयादि भीति वत्सल मोह गुरु गौरवस्य सेव भावि संचिन्त्य तस्य सदृशिं तनुण अपुरेति गोविंदमादि पुरुषं तमां भजामि श्रीय कंठ कंठ परम पुरुष कल्पतरो ध्रुम भूमि चिंता मणि गणमहि तोयम् अमृतम् कथम गणम नट्यम गमनम अपि वंशी प्रिय सखी चित आनंदम ज्योति परम अपि तत् अस्वत्यम अपि च यत्र शिरब्धि श्रवति श्रेयाभिभयश्च सुमहान् निमेषर्धक्रयो व्रजति नाहि यत्रापि समाया भजये श्वेता दीपं तम अहम् इह गोलकम् इति यं विदन्तस्ते संताशिति विराल चरतदीपये अतो वाच महाविष्णुर्भगवन्तं प्रजापतिं ब्रह्मन् महत्वविजने प्रजासङ्के च श्रीमति पञ्चश्लोकिम् इमं विद्यं वत्स दत्तं निबोद्धमे प्रबुद्धे ज्ञानं भक्तिभ्यं आत्मनि आनंदं चिन्महि उदेति अनुत्तमं भक्ति भगवत प्रेम लक्षणं प्रमाणेस्तत् सदाचरेस्तत् अभ्यासे निरंतरं बोधयं आत्मनात्मनं भक्तिम् अपि उत्तमं लभेत् यस्य यस्य श्रेयस्करं नास्ति याय निवृत्तिम् अप्नुयत् या साधयति मम एव भक्तिं तम एव साधयत् धर्मानन्य परित्यज्य माम एकं भजम विश्वासम यद्रीशि यद्रीशि श्रद्धा सिद्धिर भवति तद्रीशि कुर्वान् निरंतरं कर्म लोक अयम अनुवर्तते तेनैव कर्मान् ध्यायन् मम परम भक्ति इच्छति अहम् मि विश्वस्य चराचरस्य बीजं प्रधानं प्रकृतिः अपुमांश्च मया हि तं तेज इदं विवर्षि विदेहे विदेहे हि त्वं अथो जगन्ति जय श्री ब्रह्म संहिता की जय जय श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय जय श्री गुणनिताय की जय जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय जय श्री पंचतत्व भगवान की जय जय श्री प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंद हरि।